गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आर्थिक भूगोल में हम पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल की आधारभूत संकल्पनाएं। संकल्पनाएं किसी विषय के स्वरूप को स्पष्ट करती हैं। इन संकल्पनाओं को ही हम अवधारणाएं कहते हैं। संकल्पनाओं के द्वारा किसी विषय के उद्देश्यों और विचारधाराओं का स्पष्टीकरण होता है तथा विषय की प्रगति का बोध भी होता है। सामान्यतः हम सिद्धांत, परिभाषा व संकल्पना को एक ही मान लेते हैं। सिद्धांत अनेक तथ्यात्मक विवेचन और प्रयोग पर आधारित नियम होते हैं जो किसी परिस्थिति की व्याख्या के लिए प्रामाणिक सिद्ध होते हैं, जिनके आधार पर अन्य तत्संबंधित सत्यों की गवेक्षणा की जाती है तथा जो अन्य क्षेत्रों की समस्याओं के अध्ययन में सहायक होते हैं। जबकि परिभाषा ऐसे सामान्यीकृत वक्तत्व होते हैं जिससे विषय का उद्देश्य समाहित रहता है और उससे हम विषय को परिभाषित या सीमांकित करने का प्रयास करते हैं। संकल्पनाओं के साथ साथ सहसंकल्पनाओं का भी जन्म होता है जो विषय के गहन अध्ययन में सहायक होती हैं और विषय के स्वरूप को ही नहीं अपितु विषय की प्रगति का भी बोध कराती हैं। आर्थिक भूगोल की निम्न आधारभूत संकल्पनाएं हैं जिन्हें समझकर ही हम विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहली है आर्थिक क्रियाकलापों की अवस्थिति, लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। किसी भी आर्थिक क्रिया पर उसकी अवस्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यही कारण है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते समय उसकी अवस्थिति को जानना आवश्यक है। आर्थिक क्रिया जैसे लोहा इस्पात उद्योग, चाय की कृषि, सड़क मार्गों की अवस्थिति को समझना आवश्यक है, किंतु मात्र अवस्थिति का अध्ययन अर्थात जहां वे आर्थिक क्रिया स्थित है ही पर्याप्त नहीं है। अन्य तत्वों की उपलब्धता, वे पारस्परिक अवस्थिति तथा अन्य भौगोलिक कारक जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिकों की आपूर्ति, शक्ति के साधन, परिवहन, वितरण की व्यवस्था आदि के प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है। अवस्थिति का निर्धारण किसी एक तत्व पर आधारित न होकर बहुत से तत्वों पर आधारित होता है जो स्थान विशेष पर उसकी स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं। अर्थात अन्य सभी तत्वों के क्षेत्रीय अंतर संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। वर्तमान में भूगोलवेता किसी आर्थिक क्रिया की भौगोलिक स्थिति के अध्ययन से ही संतुष्ट नहीं है। वे सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए वितरण प्रतिरूप के संदर्भ में आदर्श अवस्थिति के प्रतिमानों का निर्धारण करते हैं जिससे अवस्थिति के सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन हो सके। इसी से प्रेरित होकर वेबर ने उद्योगों के स्थानीकरण व वांथ्यूमेन ने कृषि के स्थानीकरण के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इस क्षेत्र में अन्य अवस्थितिगत मॉडल भी विकसित किए जा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण संकल्पना है आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक लैंडस्केप। पृथ्वी पर मानव की आर्थिक क्रियाओं के कारण जो कि भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों का योग है, एक विशेष प्रकार के भूदृश्य का विकास होता है जिसे हम आर्थिक भूदृश्य कहते हैं। आर्थिक भूदृश्य संकल्पना का उद्भव जर्मन शब्द लैंडशाफ्ट से हुआ है। जर्मन विद्वान रुडोल्फ वर्जेंस के अनुसार आर्थिक भूगोल का अंतिम लक्ष्य आर्थिक भूदृश्यों का निर्धारण करना है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं में विविधता के कारण भिन्न भिन्न आर्थिक भूदृश्यों का विकास होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी क्षेत्र में कृषि कार्यों की प्रमुखता है तो वहाँ पर कृषि भूदृश्य दिखाई देगा। ये कृषि भूदृश्य छोटे या बड़े खेत, ट्रैक्टर, हल, कुएं, नलकूप, नहरें या अन्य कृषि संबंधी कार्य हमें दृष्टिगत होंगे। अर्थात ये सभी क्रियाएं सामूहिक रूप से एक
कृषि भूदृश्य को अभिव्यक्त करती हैं। इसी प्रकार से हम ये कहें कि कहीं किसी स्थान पर उद्योग हैं तो वहाँ पर कल कारखाने, भवन, फैक्ट्रियों की चिमनियाँ, चिमनियों से निकलता धुआं, कच्चे माल और तैयार माल को लाती ले जाती गाड़ियाँ दिखाई देंगी जो किसी औद्योगिक भूदृश्य को दर्शाती हैं। आर्थिक भूदृश्य से प्रादेशिक अर्थतंत्र को भी समझा जा सकता है। एक प्रादेशिक आर्थिक भूदृश्य में अनेक आर्थिक तंत्र पाए जाते हैं जिनमें किसी एक आर्थिक क्रिया की प्रधानता होती है। अतः आर्थिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य आर्थिक भूदृश्यों की व्याख्या करना होता है। तीसरी महत्वपूर्ण संकल्पना है, ये आर्थिक भूदृश्य स्थैतिक ना होकर गत्यात्मक होते हैं। इससे अभिप्राय है कि ये परिवर्तनशील या विकासमान होते हैं और सतत विकास क्रम को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात मानव के तकनीकी ज्ञान में वृद्धि के कारण हम देखते हैं कि मानव की आर्थिक क्रियाएं भी प्रभावित होती हैं और आर्थिक भूदृश्यों से सामान्यतः ये मनुष्य की भूतकालीन आर्थिक कार्यों का संकलित रूप भी हम कह सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इनका विकास हुआ है और इन पर विभिन्न कालों की आर्थिक प्रगति और उस काल विशेष की आर्थिक क्रियाओं की छाप भी दिखाई देती है। वर्तमान में एक निर्वहन आर्थिक तंत्र यानी सबसिस्टेंस इकोनॉमी धीरे धीरे आर्थिक भूदृश्य में भी परिवर्तित हो सकती है, यानी विकास के साथ साथ आर्थिक भूदृश्य में परिवर्तन होता है और उसके साथ विकास की सभी विशेषताएं जुड़ी होती हैं। इससे आर्थिक भूदृश्य की गत्यात्मकता का बोध होता है। फोर्थ है, आर्थिक भूदृश्य आर्थिक विकास की अवस्था के द्योतक होते हैं। आर्थिक भूदृश्य गत्यात्मक होते हैं अर्थात उनमें परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन आकस्मिक न होकर क्रमिक तथा व्यवस्थित रूप में होता है। किसी देश के आर्थिक विकास की अवस्था वहाँ स्थित आर्थिक भूदृश्य को देखकर भी की जा सकती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास तकनीकी ज्ञान स्वरूप संपन्न मानव द्वारा संसाधन उपयोग का प्रतिफल होता है तथा आर्थिक भूदृश्य की व्याख्या के लिए विभिन्न क्षेत्रों अथवा कालों में संपूर्ण संसाधन एवं मानव संस्कृति की परिधि के अंतर्गत मानव के चयनशील उपयोग की प्रक्रिया और उसकी अवस्था की व्याख्या इन आर्थिक भूदृश्यों के द्वारा की जा सकती है। फिफ्थ है, क्षेत्रीय आर्थिक भिन्नता जन्य आर्थिक प्रदेशों की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक रीजन्स जेनरेटेड बाय एरियल इकोनॉमिक वेरिएशन। विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं पाई जाती हैं जिससे आर्थिक भूदृश्यों में भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए खनिजों का उत्खनन सभी स्थानों पर नहीं होता। संसाधनों के दोहन में भी सांस्कृतिक कारकों व तकनीकी स्तर के कारण भिन्नता पाई जाती है। विश्व में प्रदेशों का निर्धारण किसी तत्व विशेष अथवा तत्वों के समूह के आधार पर किया जाता है तथा इसकी क्षेत्रीय संबद्धता की समरूपता के आधार पर आर्थिक प्रदेशों का सीमांकन भी संभव है। आर्थिक प्रदेशों के सीमांकन से किसी प्रदेश के अर्थतंत्र का विश्लेषण करना सरल हो जाता है और उसके विकास की विभिन्न योजनाओं का निर्माण भी किया जा सकता है। छठी महत्वपूर्ण संकल्पना है, स्थानिक कार्यात्मक अंतरक्रिया की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ स्पेशियल फंक्शनल इंटरैक्शन। वर्तमान में यातायात के साधनों तथा संचार साधनों के विकास के कारण विश्व के समस्त आर्थिक प्रदेश बहुत अधिक निकट आ गए हैं। उनमें परस्पर निर्भरता में भी वृद्धि हुई है। भूमंडलीकरण आर्थिक प्रदेशों में बढ़ रहे कार्यात्मक अंतर संबंध का ही परिणाम है। वर्तमान में आर्थिक क्रियाओं का विशिष्टीकरण वे बड़े पैमाने पर उत्पादन क्रियाएं,
संपूर्ण विश्व को प्रभावित करने के साथ साथ विश्व में होने वाली आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दशाओं से भी प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए विश्व में पेट्रोलियम उत्पादन और उसके मूल्यों का निर्धारण, औद्योगिक राष्ट्रों को भी अपने कच्चे माल और तैयार माल के निर्यात के लिए दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः स्पष्ट है कि आर्थिक विकास इस प्रादेशिक कार्यात्मक परस्पर क्रिया पर निर्भर है। प्रादेशिक कार्यात्मक परस्पर क्रिया दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ और ऊर्ध्वाकार। एक ही पदानुक्रम के प्रदेशों में होने वाली परस्पर क्रिया अनुप्रस्थ कहलाती है तथा विभिन्न पदानुक्रम के प्रदेशों में होने वाली अन्योन क्रिया ऊर्ध्वाकार कहलाती है। ईएल उलमैन के अनुसार विश्व में क्षेत्रीय अन्योन आर्थिक क्रिया का अध्ययन भूगोल में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सातवीं जो महत्वपूर्ण संकल्पना है वो है प्रादेशिक आर्थिक विकास की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्रादेशिक आर्थिक विकास की संकल्पना से आशय या अभिप्राय क्षेत्रीय आर्थिक समन्वय द्वारा क्षेत्र के संसाधनों का समुचित उपयोग करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है। यह संकल्पना आर्थिक भूगोल के व्यवहारिक पक्ष को प्रदर्शित करती है। आर्थिक भूगोल का मूल उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास के स्तर को निर्धारित करना और उसकी व्याख्या करना है। इसके लिए आर्थिक विकास के विभिन्न पक्षों के मापन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है ताकि विकास के स्तर को निर्धारित किया जा सके तथा प्रदेश विशेष में अन्य प्रदेशों की तुलना में संसाधनों की सुलभता अथवा अभाव और तकनीकी व सांस्कृतिक तत्वों की तुलना की जा सके ताकि संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके। नेक्स्ट इसकी जो संकल्पना है वो है आर्थिक विकास और पर्यावरण में संतुलन की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। विकसित देशों की विकास प्रतिस्पर्धा से संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ है। उत्पादन वृद्धि हेतु ऊर्जा के साधनों का भी असीमित उपयोग हुआ है जिससे पारिस्थितिकीय असंतुलन उत्पन्न हुआ है और जिसका दुष्परिणाम समस्त मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करता है। अतः आर्थिक विकास और पर्यावरण के मध्य संतुलन बनाने की महती आवश्यकता है और इस हेतु सतत विकास की अवधारणा को आर्थिक विकास के आधार बनाए जाने का लगातार प्रयत्न किया जा रहा है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक संकल्पनाएं जिनके आधार पर हम विषय के वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं और विषय का अध्ययन और विषय क्षेत्र को समझ सकते हैं। धन्यवाद।